हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC हरियाणा पुलिस जो HSSC ने नया फार्मूला दिया, उससे भाई अब और पहले में क्या फ़र्क रहा है, और कल का भर्ती का जो रिवाइज रिजल्ट है उसका काम शुरू हो गया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस भर्ती में HSSC ने लिखित परीक्षाओं के आकलन के लिए हाईकोर्ट में दी इक्वी परसेंटाइल फार्मूले की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फार्मूले को सही माना, भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर। तो ये जो आपका इस साइड में दे रखा है भाई, आपका जो मैटर ये आपके सामने बिल्कुल ठीक है, ये है। तो ये तो आपका हो गया भाई प्रतिशत वाला, ठीक है, यानी परसेंटाइल वाला। ये वाला होगा परसेंटाइल, ये वाला होगा आपका एक भी परसेंटाइल स्कोर, ठीक है। तो इसमें डिटेल देख सकते हैं आप। रोल नंबर आपके जो काल्पनिक यहाँ पर दे रखे हैं, असली नंबर तो है भाई 70, और जो प्रतिशत निकालते हैं यानी परसेंटाइल वाला, तो इसके नंबर हो जाते हैं 100, और इक्वी परसेंटाइल करते हैं तो भाई एक ही नंबर का यहाँ पर फर्क आता है, ठीक है। तो ये भाई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस वजह से जो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग है। ये जो डिटेल, ये तो आपने पहले देख ली होगी। और अभी बात करें, अगर ये मैं आपको बताऊँ तो पुरुष सिपाही के 6 और महिला सिपाही के 3 शिफ्टों में हुए थे पेपर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है भाई। और जो ये इनका कहना है भाई, IIT जो दिल्ली है वो एक्सपर्ट है, उन्होंने भाई जो आपका फार्मूला है परसेंटाइल वाला वो बताया था, और उसी बेस पर इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। अब क्या है, अगर इक्वी परसेंटाइल फार्मूला ये लगाते हैं तो जो फीमेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट आया है उसमें भाई फेरबदल आपका ज़रूर होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में भाई जो इसको ठीक माना है, और कलर्क भर्ती की अगर बात करें तो कलर्क की लिखित परीक्षाओं का परिणाम संशोधित करने का काम शुरू। हाई कोर्ट ने कलर्क पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करने के फैसला सुनाया है, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि तीनों शिफ्टों में सही उत्तरों को ही कुछ शिफ्टों से अलग करके सेटों का गलत मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया गया। यानी 3 क्वेश्चन थे तो यानी 3 नंबर यानी अगर किसी के कम थे तो अब भाई उसको नौकरी मिलेगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर की गड़बड़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और कोर्ट ने भाई HSSC को खूब सुनाया है, जो सुनाना चाहिए था भाई, बिल्कुल आपकी जो है आदत बन चुकी है बिल्कुल, यानी गलती किसी की होती है और आप जो गलती का ठीकरा वो किसी और के सर फोड़ते हैं, क्योंकि गलती HSSC की है, जो एग्जामिनर है जिसने पेपर सेट किया था उसकी है, और HSSC कहती है भाई सॉफ्टवेयर की गलती है। तो कोर्ट ने कहा भी सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है, एग्जामिनर की गलती है और आपकी गलती है, आपने बिल्कुल इसको क्रॉस चेक नहीं किया, और एग्जामिनर है उसने भाई डायरेक्ट आपको मना के दिया, आपने डायरेक्ट वहाँ पर इसको छाप दिया, ठीक है। तो ये है भाई अपडेट एक। तो पुरुष सिपाही की आपकी जो डेट है वो भाई 11 तारीख है, अभी जो इसकी 11 आने वाली 11 तारीख है वो है अभी 11, ठीक है, 11 मई। अब देखते हैं भाई, इसमें कोर्ट ने अभी तक जो इक्वी परसेंटाइल वाला फार्मूला दिया है उस पर सर्वे अपना किया है, यानी जा इसकी उनके समझ में कुछ आया है, क्या कुछ प्रोसेस रहा है, तो उस पर भाई आपका फैसला वो निर्भर करेगा। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।